अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहसिन दवा और आप लोग देख रहे हैं VSSS वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज। दोस्तों, मैंने एक नया चैनल शुरू किया है जिसको मैंने नाम दिया है 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। इस चैनल के ऊपर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है, HTML है, जावा है, ऑफिस है और बहुत सारे लेक्चर्स वहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। मैं आप सारे दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि आप उस चैनल पर जाएँ और वहाँ पे मुझे प्रमोट करें, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर लेक्चर आप लोगों तक पहुँच सके और आप उससे सीख सकें। उस चैनल का URL डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दिया है और इस वीडियो के एंड पर भी आपको अवेलेबल है, www.youtube.com/teachersonlineforyou। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो MGT402 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का, जो हमारा क्विज नंबर 1 आया हुआ है, उससे रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग अपना क्विज करते हैं। दोस्तों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन मटेरियल इन्वेंट्री मीन द एंडिंग इन्वेंट्री इज ग्रेटर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। सेकंड है, द एंडिंग इन्वेंट्री इज लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। थर्ड है, बोथ एंडिंग एंड ओपनिंग इन्वेंट्रीज आर इक्वल्स। और लास्ट में है, कैन नॉट बी डिटरमिन। जब हमारा मटेरियल बढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो ओपनिंग एंडिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से ज़्यादा है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट वाला है, द एंडिंग इन्वेंट्री इज ग्रेटर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, ये हमारा इस क्वेश्चन का ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, इन फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग द नेल पिंस, ग्लू एंड पॉलिश आर यूज टू इंक्रीज इट्स फीम्स वैल्यू, एफटीम वैल्यू। दीज कॉस्ट आर ट्रीटेड एज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, FOH कॉस्ट एंड प्राइम कॉस्ट। तो हमारी ये जो सारी की सारी कॉस्ट हैं, जिसमें नेल है, पिन है, ग्लू है, पॉलिश है, ये सारी हमारी इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती हैं। सेकंड वाला जो है हमारा, वो इस क्वेश्चन का ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेजर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी ऑन द पर्टिकुलर टाइम। इसमें इनकम स्टेटमेंट है, इसमें आपकी बैलेंस शीट है, इसमें आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट है और रिटेन इन अर्निंग स्टेटमेंट है। तो बैलेंस शीट जो है वो एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको किसी भी पर्टिकुलर पीरियड का फाइनेंशियल पोजीशन बताती है किसी भी कंपनी के बारे में। तो इसमें जो हमारा सेकंड वाला है वो इसका ठीक जवाब है। फोर्थ क्वेश्चन है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कैन बी कैलकुलेटेड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कैन बी कैलकुलेटेड, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट एड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लेस वर्क इन प्रोसेस, और टोटल फैक्ट्री कॉस्ट लेस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट लेफ्ट ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एंड लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट एड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है और एड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो जो हमारी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है, अगर हम उसके अंदर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एड करें और उसमें से लेस करें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो हमारी जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आता है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट वाला है वो इसका बिल्कुल ठीक जवाब है। फिफ्थ नंबर पे है, द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर इज डिसीजन मेकिंग, रेवेन्यू जनरेशन, कॉस्ट एंड करंट है, इन्वेस्टमेंट है। अब इन दोनों जो में जो मेन फर्क है वो रेवेन्यू जनरेशन का है, ये दोनों अलग अलग रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हमारा जो है फिफ्थ क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो सिक्स नंबर है वो है, बायर प्रोड्यूस 2000 यूनिट एंड देयर टोटल फैक्ट्री कॉस्ट 450,000 एंड अदर कॉस्ट लाइक प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग RF 10,000 वार इंक्लूडेड इन द कॉस्ट टिल ईयर एंडेड, द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट वुड बी। अब देखें, हमारी 450,000 कॉस्ट है, उसमें टैक्स भी है, उसमें आपकी 20,000 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं। तो अब अगर हम टैक्स इसके साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 23।
जो इस ऑप्शन के अंदर अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स कि हमने सिर्फ एसओएच कॉस्ट को लेना है 450,000 को और 20,000 से तकसीम करना है, तो जो हमारे पास जवाब आता है वो आता है 22.5। तो हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो है 22.5, और वैसे भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर जो है वो टैक्स इंक्लूड नहीं होता, इसलिए हम टैक्स इसके अंदर नहीं ऐड करेंगे, बल्कि टैक्स जो है आपके पास जब नेट प्रॉफिट आ जाता है तो उसमें से आप पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज द पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, प्रीमिसिस, वेजेस फैक्ट्री ओवर, वर्कर्स एंगेज इन द मशीन मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ ट्रक यूज्ड इन द डिलीवरी ऑफ कस्टमर, डिलीवरी टू कस्टमर, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट प्रोडक्शन मटेरियल। तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब जब हमने रॉ मटेरियल खरीदा और उसको फिर हम फैक्ट्री तक लाने की जो कॉस्ट है वो हमारी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है उसका हिस्सा होती है। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला है वो इस क्वेश्चन का ठीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 8 पे, इफ ग्रॉस प्रॉफिट आपका 40,000 जीपी मार्जिन जो है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑफ सेल है, व्हाट विल बी दी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है। तो इसमें देखें जो है फर्स्ट वाला 1,60,000, अब इसका जो 20% मार्जिन है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, उसमें हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो टोटल आपका 40,000 है। तो आप निकालेंगे 1,60,000 जरा 20%, तो जो जवाब आएगा उसमें से आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो बाकी जो बचेगा आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बच जाएगा। तो ये हमारी जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, उसमें हम सेल भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 20% ऑफ सेल है। तो 1,60,000 जो है फर्स्ट वन वाला वो हमारा ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी हमारा 9th क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैन बी कैलकुलेटेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरर एड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड। नेक्स्ट है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर लेस ओपनिंग फिनिश गुड, लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर लेस ओपनिंग फिनिश गुड्स एड क्लोजिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एड ओपनिंग फिनिश गुड्स और लेस एड क्लोजिंग फिनिश गुड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनती है जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के अंदर एड करें ओपनिंग फिनिश गुड्स और माइनस करें अपना क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बन जाती है। तो फर्स्ट वाला जो है वो हमारा इसका ठीक जवाब है। लास्ट क्वेश्चन है जी, एन ऑर्गेनाइजेशन सोल्ड 4,000 यूनिट एंड हैविंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 3,500 यूनिट, ओपनिंग फिनिश गुड्स यूनिट वर 1,000 द क्वांटिटी ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। तो आप देखें 4,000 जो है वो आपने 4,000 में आप 3,500 जो है वो जमा करेंगे, आपके पास 7,500 हो गया, उसमें से माइनस करेंगे 1,000, तो आपके पास जो है बाकी जो बचेगा वो 6,500 बचेगा। तो 6,500 मतलब सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक जवाब है। तो दोस्तों ये था हमारा क्विज MGT402 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। दोस्तों मैं फिर वही गुजारिश करूंगा कि आप youtube.com/teachersonlineforyou पे जाइए, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिसमें CS101 है, MGT101 है, CF201 है, MGT201 है, HTML है और बहुत सारे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसे प्रमोट कीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक अगली किसी असाइनमेंट सॉल्यूशन के साथ या GDB सॉल्यूशन के साथ या क्विज सॉल्यूशन के साथ। उस वक्त तक के लिए मोहसिन भाई को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।